हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. आपको पता ही है हमारे अभी तक के जो पेडागोजी से रिलेटेड सिलेबस चल रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो अभी हमारा लास्ट टू टॉपिक्स रह गए हैं. ट्राई करती हूँ आज की क्लास में और दो लेक्चर्स में उन्हें फिनिश आउट करते हैं जल्दी से, तो ज़्यादा नहीं है वो भी, ठीक है. तो चलिए आज ज़्यादा ना डिस्कशन करते हुए फटाफट अपना टॉपिक क्लियर करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन इशूज एंड चैलेंजेस. देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, ठीक है. तो समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, ज़्यादा ब्रीफली नहीं बात करी थी. तो समावेशी शिक्षा वो होती है जिसके अंदर हमारे जो डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसमें क्या है, फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशल हो, डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, विभिन्नताएँ. डिसेबिलिटीज़ लाइक कोई भी अपने आप में दो लोग तीन लोग सेम नहीं होते हैं, ठीक है. हर किसी में कोई ना कोई विभिन्नताएं पाई जाती है. वो फिजिकली भी अलग होगा, मेंटली भी अलग होगा, और एजुकेशन रिलेटेड भी अलग होगा, उसका सोशल एनवायरनमेंट भी अलग होगा, इकोनॉमिकली भी अलग होगा, कल्चर वाइज भी अलग होगा, रीजनल वाइज भी अलग होगा. तो इन सभी चीज़ों को जब इकट्ठा करके कोई एजुकेशन दी जाती है बच्चों के लिए बेनिफिट के तौर पे, कि वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए सीखें, बल्कि नेगेटिविटी ना लेकर आए अपने अंदर, बल्कि अपने एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या है, कोरिलेट करके स्टडीज करें कि जो दूसरे बच्चे की विभिन्नताएं हैं वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, या बाकी चीज़ें कैसे हैं, उनको सीखना, ठीक है. तो वो होता है समावेशन करना, कि जब हम उनको आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं. वो चीज़ें किसके अंदर रखी जाती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर. इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम उन सारी चीज़ों को, डिसेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करके शिक्षा प्रदान बच्चों को करते हैं, ठीक है. लेकिन उन इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ाने के लिए या एजुकेशन के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन की शिक्षा लाने के साथ साथ उसके कुछ इश्यूज और कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमारी गवर्नमेंट प्लस स्कूल के अंदर टीचर को फेस करने पड़ते हैं. अब अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि दो स्टूडेंट, दो टीचर्स ही हैं कोई, लाइक मैं हूँ और एक अनदर है, अगर सेम टॉपिक पढ़ाना है आपको, तो मेरा क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मेरी मेंटल एबिलिटी अलग है, ठीक है, और दूसरे की क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. हो सकता है आपको जितना मेरे से समझ आ रहा है दूसरे से ना समझ आए, और ऐसे ही जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप में अलग अलग होंगे. तो ये सारे क्या होते हैं, टीचर के सामने चैलेंजेस और इश्यूज होते हैं, कि जब हमें एक समावेशी शिक्षा करवानी है, एक क्लासरूम ऐसे मेंटेन करनी है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या रहते हैं, डिसेबिलिटीज वाले बच्चे रहते हैं, तो उनकी एजुकेशन ऐसे करवाई जाए कि बच्चा क्या है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग थलग ना रहे, या फिर भेदभाव ना करे कि मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, ये इस बैकग्राउंड से है, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये सारी चीज़ें नहीं हो, ठीक है. और वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश हमारे क्या होते हैं, मेन लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम क्या है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं. लेकिन कोई गुजराती बच्चा हो सकता है, कोई मराठी बच्चा हो सकता है, जिसने अपनी मदर टंग स्टार्टिंग में वही सीखी है घर के अंदर, तो एकदम से जब वो हिंदी या इंग्लिश में सीखना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे क्या है, उसको डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है. तो उनको आपको कैसे शॉर्ट आउट करना है, वो चीज़ आपके लिए चैलेंजेस है. और दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चे काफ़ी निम्न स्तर के बालक होते हैं, मतलब समाज में काफ़ी लो लोकेलिटी से आते हैं, जिनके लिए सारी उपलब्ध फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और बाकी कुछ बच्चे होते हैं हाई स्टेटस से आते हैं, वो दोनों आपस में क्या है, उनके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं, तो वहाँ पे उन दोनों की चीज़ों को एडजस्ट करते हुए कि वो निम्न स्तर बालक भी और उच्च स्तर बालक के लिए भी एक ऐसी शिक्षा प्रदान कराई जाए जहाँ पे दोनों का जो लेवल है वो इक्वल हो, ठीक है. अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इश्यूज क्या रहे, देन फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, ठीक है. इश्यूज क्या रहे, देखिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर
स्टार्टिंग में दो टाइप की शिक्षा दी जाती थी। जब स्टार्टिंग में इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो इतिहास में क्या है, हिस्टोरिकल जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर एजुकेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक थे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जिनको हम नॉर्मली पढ़ाते हैं, एक मेंटल लेवल होता है ये सारे, और एक था हमारा डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट। मतलब आज भी आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो क्या है, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेंटल लेवल और फिजिकल और बाकी जो स्टेटस वगैरह चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सब बच्चों की समान रूप रहती हैं, तो उनको अलग स्कूल में भेजा जाता है। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं या फिर ऑटिज्म स्टूडेंट्स होते हैं या इस तरह के, उनके लिए अलग स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था इतिहास में अगर आप झाके देखेंगे तो उस टाइम पे दो टाइप के स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट रखे जाते थे, जिसके अंदर एक सामान्य बालकों के लिए और एक डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे आकर धीरे धीरे बाद में जब एजुकेशन ने तरक्की करी और उसके अंदर चेंजेस हुए, डेवलपमेंट्स हुए शिक्षा के ऊपर, नई नई पॉलिसीज आई, रूल्स और रेगुलेशंस आए, तो क्या किया गया हमारी शिक्षा के अंदर, हमारी शिक्षा के अंदर क्या किया गया कि वहां पे बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस रखा गया, एक ऐसी क्लासरूम रखी गई मेंटेन करके जिसके अंदर नॉर्मल प्लस हमारे जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है, ठीक है। वो थी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी, एक लाइक डेफिनेशन टाइप मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द मूवमेंट टूवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनटू द रेगुलर क्लासरूम स्टार्टेड इन अ सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरीज के हाफ से जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन थी या इंक्रीटेड एजुकेशन थी, जो क्लासरूम के अंदर शिक्षा दी जाती थी, उसको शुरू किया गया। द ट्रेंड एट द पास इज टू क्रिएट वन एजुकेशन सिस्टम द वैल्यूज ऑल द स्टूडेंट टू डिवाइज अ क्लासरूम दैट रिस्पेक्ट्स डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी मीन्स द valuing the differences between people and the way those differences can contribute the riches। मतलब जो भी हमारी शिक्षा है उसके माध्यम से जो हमारी एट प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन चल रही है, एक क्लासरूम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन या डाइवर्सिटी को जब हमें इंक्लूड करना है डिसेबिलिटीज़ को, तो उसके अंदर एक वे होता है बच्चों का अपना सीखने का कि हमें किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है, और सेकंड वे होता है कि बच्चे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए हमारी जो टीचिंग और लर्निंग और टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले क्या होता है टीचर होते हैं, देन हमारा कंटेंट होता है, देन हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। टीचर क्या करता है कि हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है वो किस रूप में देनी है, और स्टूडेंट क्या करता है कि हमें जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो किस रूप में करनी है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, उनकी मेंटल एबिलिटी के अनुरूप हो, उनके सामाजिक स्तर के अनुरूप हो, और बाकी सारी जो भी डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी है। नाउ बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजीज द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट द ऑल द लर्नर्स। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का स्ट्रेटजीज है, जो बाकी बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट रखा गया है उसके अंदर क्या है, हमें लर्नर को फोकस करके चलना है। मतलब हमारे लिए कंटेंट प्लस टीचर, इन दोनों के कोई मायने नहीं है, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें किस पे फोकस करना है, स्टूडेंट मीन्स लर्नर पे आपका फोकस करके चलना है कि लर्नर किस हिसाब से सीख रहा है, कितना उसका मेंटल एबिलिटी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी से आप उसे सिखा सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स
restructure the culture, policies, practice in a school so that they can respond to the diversity of a student and their locality. जब हमें अपने समाज के अंदर कल्चर वाइज, पॉलिसीज वाइज, रूल्स रेगुलेशन वाइज जो डिसेबिलिटीज या डाइवर्सिटीज दिखाई देती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करना है उसका महत्व रखा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर. ठीक है, फॉर अ स्कूल टू बी इंक्लूसिव द एटीट्यूड ऑफ एवरीवन इन अ स्कूल including administration, teachers and other students are positive towards student with disability. देखिए, it's very important point कि जो हमारी inclusive education है, ना मात्र वो केवल विद्यार्थियों यानी कि learners के लिए है, वो हमारे school से जुड़े administration के लिए भी है, वहाँ के environment के लिए भी है, वहाँ की facilities के लिए भी है, और उन टीचर और विद्यार्थियों के रिलेशनशिप के लिए भी है कि जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है. ठीक है, नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल द चिल्ड्रंस रिग्रार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी लेवल आर इंक्लूडिंग इन अ मेन स्ट्रीम क्लासरूम और इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट. देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जो अभी तक डिस्कशन चल रहा है या बाकी चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर हमारा जो आप कुछ भी करवाते हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन करा रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन करा रहे हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन करवा रहे हैं बच्चे को, किसी भी तरह की आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसको आप में उसके अंदर उस प्रोसेस के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट बच्चों को ध्यान में रखना है. ठीक है, अब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के टूवर्ड्स कैसे ध्यान में रखेंगे कि बच्चे जो जो डाइवर्सिटी अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो जो विभिन्नताएं लिए हुए हैं, उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी है ताकि उनके लिए आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो और जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए मीनिंगफुल हो. ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो इश्यूज रहे हैं टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, वो रही हैं हमारी टाइम टू टाइम जो हमारे डिपार्टमेंट्स में चेंज हुए हैं, जो हमारे एजुकेशंस में चेंज हुए हैं, जो नई नई पॉलिसीज आई हैं. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टू वे प्रोसेस या फिर टू टाइप से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या था डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक नॉर्मल एजुकेशन, एक डाइवर्सिटी वाले बच्चों की. ठीक है, फिर क्या किया प्रेजेंट में उन दोनों को इंक्लूड करके, तो जब पहले वाले टीचर पढ़ाते थे तो उसके लिए अलग अलग टीचर्स का सिलेक्शन होता था कि स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स अलग होंगे और जो आपके नॉर्मल्स के लिए हैं वो अलग होंगे. आज भी स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे स्कूल्स होते हैं और जो हमारी डाइवर्सिटीज, मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचें कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो तो आज भी भर्ती होते हैं, वो तो उनके लिए भी आज भी ऑप्शंस हैं या उनके लिए आज भी एक एजुकेशन दी जा रही है, बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग, तो हमें इंक्लूसिव सीखने की क्या ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं ना कि आपको मेंटली डिस्टर्ब बच्चे ही आपको क्लासरूम के अंदर मिले या फिर ऑटिज़म बच्चे ही मिले या फिर फिजिकल हैंडीकैप भी मिले, आपको डाइवर्सिटी वाले बच्चे मिलते हैं अपनी क्लास में. डाइवर्सिटी मीन्स ये नहीं कि फिजिकल हैंडीकैप हो और किसी रूप से उनका अंग खराब हो या विकलांगता की श्रेणी में आते हो, वो नहीं. डाइवर्सिटी से आपका मतलब है जिसका रीजनल अलग होता है, कल्चर अलग होती है, फिजिकल एबिलिटीज अलग होती है, मेंटल एबिलिटीज होती है. ये तो नॉर्मल क्लासरूम में होता ही है. अब अगर जहां पे मैं खड़ी होकर काम कर रही हूं, यहां पे जितना डिपार्टमेंट है या जितने लोग हैं, वहां पे भी क्या है, डाइवर्सिटी पाई है. आपके घर में भी डाइवर्सिटी है, वहां पे भी हर कोई क्या है, अपने आप में अलग है. आप सब घर में भी एक जैसे नहीं होंगे ना, तो उस अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है. ठीक है,
नाउ अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो हमारे इश्यूज थे वो कौन कौन सी शिक्षा के माध्यम में आई जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जुड़ी थी और बच्चों की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर क्या था रखा गया था। ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्मली बोल देती हूँ कि कौन कौन सी आई, मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रही हूँ। और एक और बात, मैं साथ के साथ सन भी बोलूंगी उसके ईयर्स भी की कब आई वो पॉलिसीज, तो वो ध्यान से सुन लेगा क्योंकि पूछ लेते कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई ये सब। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिसीज आई इसमें पहली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968। ठीक है, नेक्स्ट आई नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, एक आई देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नॉर्मल वो आई 68 में, और जो सेकेंड आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर वो आई 86 में, उसका अपोजिट। ठीक है, फिर आई बहरूलिज्म कमेटी, उसमें आया था 1985 में। प्रोग्राम ऑफ एक्शन MHRD ये आई आपकी 90 में एंड 1992 में, 1990 से लेके 1992 में। ठीक है, फिर उसके बाद आई प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल, ये आई आपकी 1987 में। फिर आई रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये आपके आई रिहेबिलेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट आपका आया 1992 में। उसके बाद आया पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, रिपीट कर देती हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में। फिर आया जनशाला 1998 में। फिर आया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में। और उसके बाद आया एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी 2005 में। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ लेते, सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका आया 2001 में। ठीक है, SSA आपका कब आया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। उसके बाद लास्ट आपका आया नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में, यानी कि PWD का जो आया था आपका। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव। देखिए फॉर्म क्या होती है इंक्लूसिव की, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई थी इसकी जो फॉर्म्स हैं, ये है आपकी फॉर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या रखा गया था, फर्स्ट था आपका फिजिकल इंक्लूसिव एजुकेशन, सेकंड था सोशल, और देन थर्ड था आपका कॉग्निटिव इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इनके अंदर क्या बातें रखी गई थी, जो आपका फर्स्ट लिया गया था फिजिकल, इसके अंदर जो विद्यार्थी की उम्र है, विद्यार्थी की फिजिकल एबिलिटीज लाइक उसकी हाइट है, उसका वेट है, उसका मानसिक स्तर है, ये सारी किस्में आती हैं आपकी फिजिकल इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आती हैं, कि आपको इस रूप में बच्चे को शिक्षा देनी है कि उसके फिजिकल को क्या है ध्यान में रखते हुए, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी है, या फिर बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप है या कोई उसे चलने दौड़ने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप कैसी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। अब ये तो नहीं है ना, जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है उसके पैर काम नहीं कर रहे या हाथों में विकलांगता है वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो आप क्या है उनको ग्राउंड में लेके जाएंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाएंगे, बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ खेल खिलवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको फिजिकल इंक्लूसिव के अंदर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बच्चे के अंदर कौन सी डिसेबिलिटीज है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका सोशल इंक्लूसिव. सोशल इंक्लूसिव में है आपका कि हर बच्चा अपने सोशल एस्पेक्ट्स में क्या है, अलग अलग होता है. किसी के पास इतनी सारी फैसिलिटीज होती है कि उसके घर में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, टैब भी है, मोबाइल फोन्स भी है, तो वो अपनी सोशल लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो सकता है. आप उसे कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है. फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, एजुकेटेड है, तो वहाँ पर वो उनसे बात कर सकता है. लेकिन कुछ का ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर नहीं है और फैमिली भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को वहाँ पे प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आप किस चीज़ को कैसे करें, आगे कहाँ लेकर जाएँ, शिक्षा में किस रास्ते पर जाएँ, बाकी चीज़ों में कौन सी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी है. तो इसीलिए सोशल इंक्लूसिव को ध्यान में रखते हुए कि सोशल डिसेबिलिटीज़ जो डाइवर्सिटीज़ बच्चे की होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा देनी है, ठीक है. थर्ड आता है आपका कॉग्निटिव इंक्लूसिव, यानी कि बच्चे के मेंटल एबिलिटीज़ को, उसके मानसिक स्तर को, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके आईक्यू लेवल को, बेसिकली कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, कि उसका आईक्यू लेवल कितना है. किसी का हो सकता है कि नॉर्मल हो, किसी का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हायर हो, कि वो नॉर्मल बच्चे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा सीख रहा है. किसी का क्या है, निम्न स्तर का होता है कि बहुत धीमी गति से सीख रहा है. तो आप उसको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे शायद उसको दो बार रिविज़न की ज़रूरत पड़ सकती है. किसी दूसरे बच्चे को क्या है, एक बार भी रिविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉग्निटिव इंक्लूसिव में आपकी आती है कि आपको कॉग्निटिव इंक्लूसिव के अकॉर्डिंग, इन तीन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी शिक्षा बच्चे को प्रदान करनी है वो किस रूप में आप बच्चों को करेंगे, ठीक है. अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव की, सिद्धांत क्या है. हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो दे रहे हैं कि एक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन सिद्धांतों पर बेस होना चाहिए कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को दे. इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका, एवरी चिल्ड्रन हैज फंडामेंटल राइट इन एजुकेशन, ठीक है. हर एक विद्यार्थी का, हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है शिक्षा का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर चलना है. अगर आप ये सोचे कि ये तो विकलांग है, ये फिजिकल हैंडीकैप है, ये ऑटिज्म है, या फिर इसका मानसिक स्तर कम है, आईक्यू लेवल कम है, इन हमें इन बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, फ्यूचर में कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, तो वो आपका सोचना गलत है. बिकॉज जो एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है बच्चे को, उसके माध्यम से हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए. प्राथमिक शिक्षा, तो बेसिक एजुकेशन जो हमारी होती है वो मिलनी चाहिए, ठीक है. तो इस बेस में क्या है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव रखनी है कि हर एक बच्चे को उसके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए. सेकेंड आता है इसके अंदर, एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड लर्निंग नीड्स. हर किसी बच्चे के अंदर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसके यूनिक विशेषताएं होती हैं, यूनिक इंटरेस्ट होते हैं, लर्निंग एस्पेक्ट्स होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है. तो इसको बेस बना के आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है. थर्ड आता है आपका, एजुकेशन सिस्टम नीड टू एकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट पॉपुलेशन. अब एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, उसका एकमात्र जो साधन है जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को समझा सकते हैं, वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है. उसके बाद आता है, दोज विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल. जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं, जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ सकते या जिनको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप उनको घर पे नहीं पढ़ा सकते ना. आपने एक चीज़ सिखाई, आज मन नहीं है छोड़ो, कल पढ़ेंगे, आज गेस्ट आ गए छोड़ो, आज तो बाहर जाना है छोड़ो, आज तो किसी की शादी है छोड़ो. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक रेगुलर स्कूल का जब डिपार्टमेंट या रेगुलर स्कूल का बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ पर बच्चे को सीखना ही सीखना होता है. एक
डिपार्टमेंट एक पॉलिसीज और एक रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा वहाँ पे सीखेगा। तो इस बेस पे हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन की माध्यम की नींव रखनी है कि बच्चों को जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको खींच कर स्कूलों में लाया जाए, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव ओरिएंटल आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ कंट्रीब्यूट डिस्क्रिमिनेशंस एंड एटीट्यूड क्रिएटिंग वेलकमिंग कम्युनिटीज बिल्डिंग अ इंक्लूसिव सोसाइटी एंड अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की सोसाइटी को, विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को, विभिन्न प्रकार की बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को, और जो बिल्डिंग है एक इमारत खड़ी करनी है, बच्चे की नींव रखनी है, उस तरीके की शिक्षा का बेस बनती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू बच्चे के लिए शिक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। जो हम मैं अभी तक आपको पढ़ा रही थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, इश्यूज तो आपकी पॉलिसीज हो गई, रूल्स रेगुलेशन हो गए, डिपार्टमेंट का चेंज हो गया, और ये सारी चीज़ हो गई जो भी अभी तक आपको हिस्ट्री से लेके अब तक आपको मिली है देखने को, ठीक है। अब बात आती है चैलेंजेस की। चैलेंजेस किसके लिए है? टीचर्स के लिए है कि टीचर का एज अ मतलब एज अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से क्या रोल होना चाहिए, उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं जब वो इतने प्रकार के विभिन्नताओं को, डाइवर्सिटीज के बच्चों को कि एक शिक्षा के अंदर पढ़ाती है, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है आपका टीचर शुड टेक केयर अबाउट इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज चिल्ड्रन एंड यूथ एंड द विलिंग पावर विद देम। शिक्षक को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि हर एक बच्चा अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस में क्या है अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, हर किसी की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट होती है। कोई उच्च स्तर का बच्चा होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है कुछ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी फैमिली से आता है, तो उनमें क्या है फैसिलिटीज़ भी वैसे ही होंगी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी वैसे ही होगा। तो आपको उस को चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है बच्चों को शिक्षा देनी है। सेकंड आता है आपका टीचर शुड एक्सेप्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रमोट कल्चर स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रंस। जो बच्चे आपकी कक्षा के अंदर हैं, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई सिंधी है, कोई ब्राह्मण है, तो उन सभी के कल्चर को, उन सबके रूल रेगुलेशन, जो भी फैमिलीज में चीज़ त्यौहार मनाए जाते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब से क्या है बच्चों को उनके बारे में शिक्षा दिलवानी चाहिए, उनको आपस में इंटीग्रेटेड करके कम्युनिकेशन के माध्यम देना चाहिए कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के कल्चर को सीखें, रीजन्स को सीखें, और ये सारी चीज़ें सीखें कि हमसे दूसरा जना कैसे विभिन्न है, या उसके कल्चर में कौन सा ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे कल्चर में नहीं होती। तो इस प्रकार की विभिन्नताओं को एज अ टीचर खुद एक्सेप्ट करते हुए बाकी बच्चों को भी क्या है शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। थर्ड आता है इसके अंदर टीचर शुड हेल्प टू इम्प्रूव माइनॉरिटी स्टूडेंट इन देयर लर्निंग डिफिकल्ट। जो बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज के होते हैं, जिनके अलग पॉलिसीज और रूल्स और हमारे संविधान में भी क्या है उनके लिए अलग से एजुकेशन की शिक्षा बताई गई है, उनके माध्यम से बच्चों की डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करना है आपको एज अ टीचर। कि जैसे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे क्या है, वो पिछड़े हुए बालक होते हैं, ठीक है, उनको स्टार्टिंग से लेके अब तक के जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा नहीं मिली थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादा कोई एजुकेटेड नहीं होते, पिछड़े हुए रह जाते हैं सभी चीज़ों से, फैसिलिटीज से, शिक्षा से। तो उन बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है कि बच्चे को इस रूप में आज के प्रेजेंट टाइम में वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना मान के कहीं पर स्टैंड कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टीचर शुड प्रमोट बेस्ट
एट्रीब्यूट ऑफ द बोथ जेंडर्स ऑल द क्लासरूम टीचर चिल्ड्रन सॉरी क्लासरूम के अंदर जो भी आपको जेंडर्स मिलते हैं फीमेल मेल उन जेंडर्स के माध्यम से जैसे आपकी क्लासरूम है जो आपके कोरिलेटेड स्कूल्स होते हैं उसके अंदर क्या है बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं तो आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करानी चाहिए जो बॉयज़ के लिए भी लाभदायक हो सॉरी गर्ल्स के लिए भी लाभदायक हो ये नहीं कि आप बॉयज़ को अलग ही एजुकेशन दे रहे हो कि जो लड़के हैं उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चे क्या है सिर्फ बच्चों को बॉयज़ वाले बच्चों को क्या है मेल पर्सन्स को आप सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाओगे गर्ल्स को नहीं पढ़ाओगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो जेंडर्स हैं उनको ध्यान में भी रखते हुए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ये नहीं कि वहाँ पे आप क्या है पार्शियलिटीज़ करें या विभिन्नताएं लेकर आई हैं आपको वहाँ पे उनको हटाना है कि लड़का लड़की इक्वल होते हैं ये नहीं कि सिर्फ लड़का ही इंजीनियर बन सकता है साइंटिस्ट बन सकता है लड़कियां भी बन सकती हैं उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है तो आपको सभी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे शिक्षा प्रदान करनी है ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीचर शुड डेवलप द स्किल इन द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू मैनेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर टीचर को बच्चों के अंदर उन स्किल्स उन टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना है कि बच्चे इंडिविजुअली अपने आप को प्रेजेंट कर पाए इंडिविजुअली अपना इंटरेस्ट दिखा पाए और ग्रुप डिस्कशन और जो ग्रुप टेक्निक्स होती हैं ग्रुप बिहेवियर होता है वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो पाए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचर शुड नो हाउ टू कलेक्ट यूजफुल डाटा फॉर द डायग्नोस एंड हाउ टू रेफर अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट शिक्षक के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जब भी शिक्षा करवाए उसको अपनी क्लासरूम के अंदर एक एक बच्चे के बारे में पर्सनली बहुत अच्छे से पता हो कि ये वाला बालक नॉर्मल है इसको कोई प्रॉब्लम है इसकी आईसाइड वीक है इसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है ये वाला बच्चा गिफ्टेड है या फिर ये थोड़ा अबनॉर्मल है इसको सीखने में टाइम लगता है जिससे आप उनके जो भी इस तरह के आस्पेक्ट्स हैं उनको डाटा कलेक्ट करके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं सजेशंस दे सकते हैं कि उनको किस तरह की स्पेशलिस्ट उसके अंदर है और वो उसका मतलब उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं या किस द्वारा अपनी शिक्षा को प्रमोट कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचर शुड प्रेफर इंडिविजुअल टीचिंग व्हेनेवर नीड्स क्लासरूम के अंदर जो इंडिविजुअल बच्चा होता है शिक्षक को ये होना चाहिए कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के जो ऑप्शंस है वो दिए जाए बच्चा खुद अपने आप को प्रमोट करने के लिए राजी हो ठीक है। टीचर शुड बी एबल टू इंटरेक्ट यूज सक्सेसफुली विद पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड अदर मेंबर्स एंड स्कूल कम्युनिटी टीचर को ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चा अपनी सोसाइटी में अपने पेरेंट्स से अपने सिबलिंग से अपने फ्रेंड्स से अपने स्कूल कम्युनिटी से इतने अच्छे से इंटरेक्ट करे उनकी नीड्स को समझे उनके रूल्स को समझे और उनको ब्रॉक डाउन ना करते हुए अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने की कैपेबिलिटीज़ को लेकर आए ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचर शुड बी एबल टू प्रिपेयर स्पेशल स्टूडेंट एज अ रेगुलर क्लास फॉर आ मेंटेनिंग टीचर को ये चाहिए कि जो भी बच्चा स्पेशल एजुकेशन में या इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रहा है वो अपने आप को पहले से ही प्री प्लान कर सके बाकी बच्चों के साथ एक समायोजन करने में अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करने में ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीचर शुड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स बिहेवियर इन वायरस सिटिंग Which will help them in a individual assessment. जो भी individual assessments दिए जा रहे हैं teacher के according, उसके according भी क्या है बच्चे को अपने individual differences के बारे में खुद के बारे में पता होना चाहिए ठीक है। उसके बाद next आता है teacher should be able to establish appropriate goals for the expectations children. हर एक टीचर की हर एक पेरेंट्स की हमारे स्कूल एनवायरनमेंट की आपको जब आपके पेरेंट्स स्कूल के अंदर भेजते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती होंगी आपसे
कि आप 10th क्लास में हो तो 90% लेकर आओ, आपको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं। टीचर की भी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी कि आप उनके क्लासरूम में अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से सीखो, वो जो सिखा रही हैं उनको अप्रोप्रिएट तरीके से सीखो, एक वेल मैनर्ड बिहेव करो। तो ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर के अकॉर्डिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल मेंटल एबिलिटी का है, आईक्यू लेवल का, लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% चाहिए तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, लेकिन बच्चे का ना तो इतना मेंटल एबिलिटी होती है, आईक्यू लेवल होता है, ना उसका इंटरेस्ट होता है। तो वहाँ से क्या है, बच्चे के ऊपर बर्डन आ जाता है कि बच्चा अपनी जो शिक्षा है उसको एक अच्छे इंटरेस्टिंग वे में नहीं सीख पाता। अगर आप भी बच्चे से कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, शिक्षक के माध्यम से भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा तो बच्चे वहाँ पे क्या है, डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर पढ़ाई से क्या है, अपने आप को हटाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने आएंगी। तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह की क्या है, बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके बारे में पहले डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि बच्चा किस मेंटल एबिलिटी का है, उसका इंटरेस्ट क्या है, लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस बच्चे से रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, टीचर शुड बी एबल टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। टीचर को क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स यूज करने चाहिए बच्चों की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, क्योंकि हर बच्चा जो है उसकी लर्निंग पावर और गेनिंग पावर क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे किस माध्यम से पढ़ाना है ये आपको एज पर स्टूडेंट्स, एज पर लर्नर वहाँ पर डिसाइड करना होता है। तो इसीलिए आपको एज अ टीचर आप इतने एबल होने चाहिए कि ऑन द टाइम या प्री प्लानिंग टाइम में आपको सारी टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सारे मेथड्स और स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने कंटेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप उनका सिलेक्शन कर सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, टीचर शुड बी एबल टू मैनेज द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, किसी ना किसी चीज़ में पिछड़े हुए हैं, कोई विभिन्नताएं हैं, उनके लिए क्या एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में टीचर को एबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक और चीज़ की बात कर लेते हैं अब लास्ट में, कि जो चैलेंजेस हमने पढ़े टीचर के लिए, कि टीचर के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या रोल है टीचर का, उसके बाद आता है आपका चैलेंजेस इंक्लूसिव एजुकेशन चैलेंजेस में। वन ऑफ द एजुकेशन ऑप्शन दैट द रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन इन मीटिंग एंड द नीड ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन अ रेगुलर क्लासरूम। एक चैलेंज सबसे बड़ा हमारा ये है कि रेगुलर क्लासरूम के अंदर डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को खींच कर लेकर आना, उनको शिक्षा में इन्वॉल्व करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो बच्चे अपनी फैमिली से या खुद में इतने एबल नहीं हो पाते हैं, उनकी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कुछ की कि वो बच्चों को वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कराना भेजे। जो निम्न स्तर के होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चे की एबिलिटी नहीं है, सीखेगा नहीं, बेकार का मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा है स्कूल भेज के, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप किस रूप में उन बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व करते हैं, एजुकेशन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ रिसर्च हैव कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ अवर नॉलेज टू हाउ टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन जनरल एजुकेशन क्लासेस। Inclusive does not refer the fixed state or set the criteria to be used as a blueprint. In short, हमारा lastly मैं आपको बता दूं कि जो हमारे challenges में मैंने अभी आपको ये बात बताई
कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं समावेशी शिक्षा के माध्यम से, उसके अंदर फर्स्ट चैलेंज एज अ टीचर हो गया, सेकंड जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको एक क्लासरूम में कनेक्ट करना, उनके डिसेबिलिटीज़ को खंगालना या फिर उनको उनकी पहचान करना, उनको रिजॉल्व करना, और उसके बाद क्या है उनके माध्यम से उनको शिक्षा प्राप्त कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। ठीक है, लास्टली जो आपके सामने ये चीज़ है इससे रिलेटेड, जैसे मैंने अब आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन करके बताया है, तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो चैलेंजेस एंड इश्यूज से इस टाइप से आएंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं, कि अगर आप उनकी शिक्षा करवा रहे हैं, गणित विषय पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आपको कैसी शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, या फिर उनकी टेक्निक्स, उनके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को अपनी विभिन्नता के अकॉर्डिंग सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे किस प्रकार से आप बच्चे को सपोर्ट करोगे, गाइड करोगे। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, एज अ टीचर आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। आपका लास्ट टॉपिक रह गया है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन वाला, तो वो भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।